हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम किलोंग। हम हैं किलोंग में, कल रात को 10 बजे पहुंच गए थे। और आपने अगर पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ ऊपर लिंक आ रहा होगा तो पिछला ब्लॉग जरूर देखिए। हम लगभग 10 बजे पहुंच गए थे और उसके बाद हमने डिनर करा और फिर हम लगभग 12 बजे सो गए थे। और मैं अपना रूम दिखा देता हूँ आपको। ये है चंद्रभागा होटल जो कि किलोंग में है, हिमाचल टूरिज्म का होटल है और ये बहुत ही स्पेसियस है यार। और व्यू भी दिखाऊंगा मैं अभी आपको, पहले रूम दिखा देता हूँ। ये हमारा ड्राइंग रूम, यहाँ पे मैं सोया था। मैं बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए यार, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। देखिए सामने बिल्कुल माउंटेन्स हैं, बर्फ़ वाली बिल्कुल, और बादल बिल्कुल माउंटेन के ऊपर बादल हैं। तो प्लान अभी ये है कि अभी हम निकलेंगे विद इन 1 आवर, अभी करेंगे ब्रेकफास्ट, फिर अपना पैकिंग करेंगे बाइक पे और उसके बाद सीधे निकल जाएंगे पुरने की तरफ जो कि है जंस्कार में। और हमें शिंगला पास को क्रॉस करना पड़ेगा। और लास्ट ईयर मैंने शिंगला पास तक गया था लेकिन वापसी ही आ गया था। इस बार मैं शिंगला पास को क्रॉस करने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहना लास्ट तक। तो गाइस, हम अब रेडी हैं राइड के लिए। मेरा पीछे देखिए पूरी बाइक रेडी है और मैं व्यू दिखा देता हूँ यार। बहुत ही खूबसूरत व्यू है इस समय। और ये पीछे होटल है चंद्रभागा। अभी हम निकल रहे हैं अपना जंस्कार के लिए और पुरने हम जाके आज स्टे करेंगे, उससे पहले शिंगला को क्रॉस करेंगे। तो काफ़ी एक्सट्रीम राइड होने वाली है, तो आप लास्ट तक बने रहना क्योंकि इसमें काफ़ी वाटर क्रॉसिंग देखने को मिलेगी। मौसम भी ख़राब हो गया, बारिश आने के भी चांस पूरे पूरे हैं, तो बने रहे हमारे साथ। तो अब चलते हैं आगे। तो गाइस देखिए कुदरत के नज़ारे सामने देखिए, और हम अपनी जंस्कार राइड पे निकल पड़े हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत व्यू है यार, कमाल है। और जितना खूबसूरत है उतना ही ख़तरनाक बन जाता है क्योंकि स्नोफॉल होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और कल रात को हम यहाँ पे रुके थे चंद्रभागा, जो कि हिमाचल टूरिज्म का गेस्ट हाउस है। और इसका मैं प्राइस बता दूं, इसका प्राइस है लगभग 3000 रुपये। अगर एक्स्ट्रा बेडिंग लेंगे तो 3500 रुपये, 3500 रुपीज़ फॉर एक्स्ट्रा बेडिंग। और अभी हम किलोंग से निकल पड़े हैं जिस्पा से, फिर हम शिंगला वाले रूट पे चले जाएंगे। हम पहुंच गए हैं जिस्पा में, ये स्तूपा देख लीजिए। और ये थोड़े से कैंपिंग साइट हैं, अगर आप प्राइवेट कैंप लगाना चाहें तो यहाँ पे कैंप लगा सकते हैं। ये साथ में रिवर बैरी है। चलते हैं आगे, होम स्टे जिस्पा। वो अमित भाई जा रहे हैं आगे, वो पहाड़ों पे देखो बर्फ मिलेगी ऊपर, हमें पूरी बर्फ मिलने का चांस है। ये देखो यार कुदरत का करिश्मा, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है, बिल्कुल लैंडस्केप बहुत ही खतरनाक लैंडस्केप है। और ये हम जिस्पा को क्रॉस कर चुके हैं, लगभग एक ब्रिज को क्रॉस करना है, नया ब्रिज है, उसके बाद हम निकल जाएंगे शिंगला की तरफ। तो आज पहली बार हम इस नए पुल से जाएंगे, और लास्ट टाइम भी ये पुल चालू नहीं हुआ था 18 में भी और 2020 में भी। और आज हम जा रहे हैं नए पुल से, पहले हम वो पुराने पुल से गए थे उधर से, और यहाँ चेक पोस्ट था, अब शायद आगे चला गया है, यहाँ पे एंट्री करानी पड़ती थी आपको। काफ़ी चौड़ा ब्रिज बना दिया ये, चेकपोस्ट पहले पीछे होता था। चलो एंट्री करा देते। आ गया है शिंगला का रास्ता, ये देखिए सामने शिंगला सीधा जाएगा, ले के लिए आपको ऊपर से घूम के जाना पड़ेगा। और हम अभी जा रहे हैं जंस्कार वैली शिंगला, चिका गांव आएगा पहले 10 किलोमीटर बाद। ये है शिंगला, 39 किलोमीटर है शिंगला यहाँ से, चिका 10 और पादुम 143। तो पहले हम पुरने जाएंगे, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का शिंगला बाइक ट्रिप पे। और ये सेकंड टाइम जा रहा हूँ मैं शिंगला, लेकिन इस बार हम शिंगला को क्रॉस करेंगे। पिछली बार हम पास पे जाके वापसी आ गए थे। बाप रे कितना खतरनाक पानी आ रहा है, छोटी सी कैनाल बनी हुई है, बहुत तेज पानी आ रहा है।
ऊपर लगता काफी वाटर क्रॉसिंग मिलने वाले चांस है हमें आज तो। वाट लगने वाली है, देखते हैं। भोले बाबा पार लगाएंगे, जय भोले के। अभी जाके आए या जा रहे हो? जाना था बट पंचर हो गया, तो ओहो कहाँ से? जंस्कार आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली। हाँ हाँ पुणे रुकेंगे आज, पुणे पुणे आज रुकेंगे। ये अभी लेके गए वहाँ पे, लेके गए हैं जिसपा, इनमें यही पंगा है। ओके भाई की हिमालयन पंचर हो गई है और टायर खोल के लेके गए हैं अब इनको किलोंग में, तो भाई के कम से कम 2 घंटे खराब होंगे, इसलिए अवर डोमी इज द बेस्ट। पंचर हो जाए 5 मिनट में पंचर लग जाए। गिर गई। यहाँ पे पहली शॉप मैंने देखी है, और अभी मेरा एक फॉल हो चुका है बाइक फॉल, जो लूज मिट्टी थी उस पर चढ़ा दी थी और वो वहाँ से स्लिप कर गया। और यहाँ के लोग कितने दौड़ के आए हैं, दौड़ के आके उन्होंने उठाया, मेरे पैर फंस गया था नीचे, लेकिन भाइयों ने फटाफट दौड़ के बाइक उठा दी। हाँ जी भाई साहब कैसा लग रहा है अभी तक? बोलो कैसा लग रहा है? तो बेस्ट है, आगे और भी बेस्ट होगा इससे भी। रास्ता साफ लगभग हो चुका है, चलते हैं फिर। ये देखिए ग्लेशियर, पूरा रास्ता अब हमें बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे शिंगला पास की तरफ। ये देखिए चारों तरफ बर्फ है, और जब मैं सितंबर में आया था तब कोई बर्फ नहीं थी, बिल्कुल सूखे पहाड़ थे, लेकिन इस बार बहुत ही खतरनाक बर्फ देखने को मिल रही है। ये देखो वो खतरनाक वाटर क्रॉसिंग, निकल गया वाटर क्रॉसिंग। पत्थर दिक्कत करते हैं वैसे, और कोई दिक्कत नहीं है हमें, बीच में खतरनाक वाटर क्रॉसिंग है। यार पिछले साल से तो बहुत ज़्यादा रोड ख़राब हो गया, ये पानी कर देता है ख़राब, ये बर्फ़ का पानी बहता है तो। और ये मेरे सामने नज़र आ रहा है शिंगला पास, चारों तरफ बर्फ़ की चादर, ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, और हमने एक बार फिर अचीव कर लिया है, शिंगला पास को फतेह कर लिया है। तो गाइस देखिए हम पहुंच गए हैं शिंगला पास और लाहौल वन मंडल सीमा समाप्त, और ये है शिंगला 1 अगेन। और ये देखिए व्यू देखिए चारों तरफ का, और पिछली बार बर्फ नहीं थी, ये कुछ भी नहीं था। ओहो शिंगला लेक, ये सामने है शिंगला लेक, ये जमी हुई है, और चारों तरफ ग्लेशियर, ओह ब्यूटीफुल। तो हमने कर दिखाया, ये वी डिड इट, शिंगला पास, शिंगला को फतेह कर लिया है। अभी जो समय हुआ है 12:55 सुबह, हम लगभग 9:30 अपने होटल से निकल पड़े थे और केलोंग से चले थे, तो हमने लगभग 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, और लगभग 3.5 आवर हमें लगे। इस टाइम बहुत तेज़ हवा चल रही है, जब भी आते हैं हवा तो बहुत तेज़ चलती है,
और मैं व्यू दिखा देता हूँ आपको चारों तरफ का। चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए हैं जितने भी माउंटेंस हैं और खूब ऊंची ऊंची बर्फ़ की लेयर्स जमी हुई है। तो इस समय हम सिर्फ 3 लोग ही हैं यहाँ पे। अभी बहुत तेज हवा, बोलना भी नहीं चाह रहा। ये देखिए शिंगला पास, और ये हमारे भाई लोग। डांस तो करके दिखा दो थोड़ा। ओए डांस, शिंगला पास, शिंगला पास, हर हर महादेव। चारों तरफ का व्यू देखो यार। धीरे धीरे निकलते हुए ईस्ट और वेस्ट, बीआरओ इज द बेस्ट।